हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ अपना बर्थडे मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये आप लोगों को पसंद आए। यहाँ पर मैंने दो लुक शेयर किया हुआ है, दो लुक नहीं मतलब दो ड्रेस है और दो लिपस्टिक सेट है, बाकी मेकअप तो एक ही है। रीज़न मैं आपको बाद में बता दूंगी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर इसे लाइक कर दें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दें। कम से कम समय में मेकअप कैसे करना चाहिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। सो ज़्यादा बातें ना करते चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी आईब्रो फिल करने से स्टार्ट कर रही हूँ। बारिश का सीज़न स्टार्ट है तो इसलिए मैं वो सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिससे मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया मेकअप रिलेशन का ब्रो पोमेड। अगर बारिश में भीग भी जाएंगे तो ये हमारी आईब्रो से बाहर नहीं निकलेगा। तो एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैंने मेरी आईब्रोज फिल कर लिया। सनस्क्रीन लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं। ब्लॉग मेरे चैनल पर आज आ जाएगा, प्रियादीप ब्लॉग पर आ जाएगा, नहीं तो कल शाम को आएगा। अभी मेरे चैनल पर प्रियादीप ब्लॉग चैनल पर आया है मेरी मैरिज का एक वीडियो जो कि आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है। सनस्क्रीन के बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर और यह है मिलानी का परफेक्शन प्राइमर। अगर आपके फेस पे कोई भी दाग धब्बा है तो उसे अच्छे से हाइड कर देता है। इसके बाद मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, यह है वेटन वाइल्ड का जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। हल्का हल्का सा ही लगाऊंगी। एक्चुअली आप लोग सोच रहे हैं कि ड्रेस मैंने चेंज क्यों करी, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं था कि बाहर घूमने जाना ही है। रूम पे केक कट करने के लिए मैंने सिंपल सा पहन लिया था, लेकिन पापा जी ने बोला कि नहीं चलना है, बर्थडे है तो चलो कहीं बाहर घूम आते हैं। फिर ड्रेस दीप ने सिलेक्ट करी, बोला कि ये वाला ड्रेस पहन लो, दीप ने बोला कि ये वाला ड्रेस पहन लो, तो मैंने उसे पहन लिया। फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग लिपस्टिक चेंज करनी पड़ी तो इसलिए दो ड्रेस हो गई। ब्लॉग में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों सेलिब्रेट नहीं करना चाहते थे, तो ब्लॉग का वेट कीजिएगा, रीज़न पता चल जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, यह है नोट का। ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होता है इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ और पानी से निकलता भी नहीं। अगर आप पानी भी आपके ऊपर गिर जाए ना तो ये निकलता नहीं है फाउंडेशन, इतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसको मैं अच्छे से पहले डॉट डॉट करके फेस एंड नेक पे लगा ले रही हूँ। इसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको लेना है, जितने भी मैं यूज़ कर रही हूँ इनमें से कुछ भी, तो इन सब की बाय लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। तो अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करने में, तो पूरा टाइम दीजिए, नहीं तो कुछ टाइम बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपका जो बेस है वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम अपने फाउंडेशन को दिया कीजिए, तब आपका मेकअप लॉन्ग स्टे करता है। इसके बाद मैं यहाँ पर आई मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का आई लक्स स्मोकी काजल स्मोकी आई शेडो, काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पर ब्रश यूज़ करूँ, यह है ग्लैम का, माई ग्लैम का ब्रश है 2-in-1। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, हल्का हल्का सा ही मैं लगा रही हूँ ताकि मेरी आईज़ पे एक अच्छा सा साइन रहे बस, और पता भी ना चले कि मैंने आई शेडो लगाया। तो मैंने यहाँ से जो ब्राउन शेड था वही पिक किया है, एक ब्रश की हेल्प से लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैं यहाँ पर जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, यह है पैक का ब्लैक एक्वा ब्लैक जेल आईलाइनर, वाटर प्रूफ स्मच प्रूफ दोनों है, तो इसलिए मैं इसे लगा रही हूँ एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से। और बारिश के सीज़न में आईलाइनर ही ज़्यादा बहता है आईलाइनर, क्योंकि जल्दी वाटरप्रूफ मिलता नहीं है। तो आप कोशिश करें कि जेल आईलाइनर ही यूज़ करें क्योंकि वो फिक्स हो जाता है और फिर पानी पड़ने पे भी नहीं निकलता है। अब मैं पूरी बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये है सुगर का कम्पैक्ट वेट एंड वाइल्ड के ब्रश की हेल्प से, और ये ब्रश है वेट एंड वाइल्ड का ब्लश ब्रश। इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने चिक पे पिंकी सा ग्लो देने के लिए यूज़ करूँ फेसेस कैंडा SD कम्पैक्ट का, सॉरी SD 3-in-1 फेस पैलेट है। इसमें ब्लश हाइलाइटर ब्रोंजर तीनों मिल जाता है, तो मैं सबसे पहले ब्लश यूज़ कर रही हूँ, इसके बाद ब्रोंजर, वैसे ब्रोंजर नहीं मतलब हाइलाइटर, ब्रोंजर की मुझे ज़रूरत है ही नहीं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, सोचती हूँ कुछ, बोलती हूँ कुछ, तो प्लीज़ वाइंड मत करना। तो बस एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से मुझे जहाँ जहाँ पर हाइलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ लगा ले रही हूँ, और ये बिल्कुल नेचुरल लगता है गाइज, ऐसा नहीं लगता कि आपने मेकअप किया हुआ है। आप लोगों को लग रहा हो ना कि इतनी सारी लेयर लगा ली हैं, बट बिलीव मी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने एक्स्ट्रा कुछ लगाया है। अब मैं यहाँ पर लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, यह NYV का लिप क्रेयॉन, इसे आप एज अ लिपस्टिक लगा सकते हो, मैं इसे एज अ लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ डायना लंदन का 2000 किसेस लिपस्टिक, और शेड है आप देख सकते हो ब्राउन, और ये इस ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा था लेकिन बाद में चेंज करना पड़ा। अब मैं पूरे मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ करूँ पैक का प्राइम प्लस सेटिंग एस्प्रेसो, डंडना डंडन है मेरा फाइनल लुक। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून।